हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पीएच स्केल, जिसको हम सोरेनसन स्केल भी कहते हैं। ठीक है, सोरेनसन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इसको ऑलमोस्ट नेम दिया था एज अ पीएच। तो पीएच वर्क कैसे करता है? इट सिंपली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो जब वाटर डिसोसिएट करता है तो वो एच प्लस और ओ एच माइनस में तुम्हारा टूटता है। और एसिड जो है सिंपली क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करवाते हैं। उसी प्रकार सिंपली क्या होगा कि यदि थर्मोडायनेमिक मतलब क्या होता है कि मेनली ट्रांसफ़र ऑफ हीट या फिर स्टडी ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट के वजह से जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं कि मूवमेंट ऑफ हीट कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, तो उसके अनुसार थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या बताते हैं कि पीएच इज़ नथिंग बट नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, मैथमेटिकली हम बोलते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, वो हमारा और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोग लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट वन, यदि बात करते हैं अबाउट सिंपली यदि रेसिप्रोकल लेकर चले, तो रेसिप्रोकल लेने के वजह से हमको क्या मिल जाएगा, वो हमको मिल जाएगा सिंपली माइनस, यदि हटाना है तो माइनस हटाने के लिए पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/H प्लस कंसंट्रेशन को हम लोग डिनोट करवाते हैं। ठीक है, एच प्लस कंसंट्रेशन को डिनोट करवाते हैं। तो यदि हमको पी ओ एच का वैल्यू निकालना है तो पी ओ एच सिंपली बोल सकते हैं वो हमको क्या आ जाएगा, वो नथिंग बट माइनस 1 लॉग बेस बेस 10 एच प्लस का कंसंट्रेशन से पी ओ एच का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में सिंपली हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस या फिर ओ एच माइनस को एग्जिस्ट करवाते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि जो पी एच वैल्यू है वो हमको क्या कर सकता है, लाई कर सकता है फ्रॉम 10^-, वो हमको लाई करवाता है फ्रॉम 0 to 14। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन की यदि बात करेंगे तो 1 मोलर कंसंट्रेशन से लेकर 10^-14 मोलर तक एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मोल्स पर लीटर तक एग्जिस्ट कर सकता है। अब यदि पीएच स्केल देखते हैं तो लाइक कहाँ से करवा रहा है, 0 to 14 तक, 7 एज अ न्यूट्रल, और वहाँ पर हम क्या करते हैं 7 से यदि लेस देन रहता है तो वो हम लेकर, तो 7 से यदि कम वैल्यू रह रहा है तो उसको सिंपली हम एसिडिक सॉल्यूशन कह रहे हैं, और मेनली यदि 7 से ग्रेटर होता है तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखेंगे तो जिस तरह से एच प्लस का कंसंट्रेशन घटता जाएगा तो ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। तो देखो जहाँ पर 10^0 है, दैट मीन्स पूरा का पूरा एसिडिक है, तो वहाँ पर ओ एच माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो 10^-14 होगा। ठीक है, तो Y इन pH सिंबल, P इज स्मॉल एंड H इज कैपिटल। तो P जो है वो प्रोटीन मतलब पावर को डिनोट करता है। ठीक है, डैनिश वर्ड है, पावर को डिनोट करता है। और वेरस सोरेनसन जो केमिस्ट थे वो डैनिश केमिस्ट थे, और वहाँ पे H जो है वो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एज अ सिंबल, हाइड्रोजन एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट करवाता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन को ही सिंपली हम लोग pH बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये क्या करता है, ये हमारा जो स्केल था वो डेवलप किया गया था, जिसमें सिंपली कंसंट्रेशन जो हम सबसे पहले बोले थे, यदि स्टार्ट 0 से कर रहे हैं दैट मीन्स क्या होगा, जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो 1 होगा। ठीक है, और वो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होगा। वेयर एज सिंपली यदि पीएच वैल्यू 14 है तो वहाँ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10^-14 होगा, और वो जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा हाईली जो है स्ट्रांगली अल्कलाइन नेचर के बारे में बताएगा। और जहाँ पे सेंट्रली हमारा 10^7 है तो उस केस में क्या होगा, एच प्लस का कंसंट्रेशन और ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो जिसके वजह से हम न्यूट्रल सॉल्यूशन उसको कहते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पीएच की यदि बात करते हैं तो ये सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्योरिटी बनाने में हेल्प करता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, यदि है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तो उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा यह रहेगा।
और इवन ब्लड भी जो है, ब्लड में भी ये हेल्प करता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी सिर्फ ब्लड नहीं है, और हमारा बॉडी में जो स्टमक में स्टमक के लाइन होता है, ठीक है, इनर पार्ट जो होते हैं वहाँ पे हम लोग का ये हेल्प करता है। एसिडिटी यदि हो गया है तो कितना एसिडिटी हुआ है तो पीएच स्केल से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। कंफर्टिंग द बॉडी, तो जब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इन्फ्लेशन होता है मतलब जलन होता है बॉडी में, तो जो भी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं कि कितना बॉडी में इन्फ्लेशन है या नहीं है, तो वो मेनली पीएच वैल्यू से हमको पता चल पाता है कि बॉडी में एसिडिक का स्ट्रेन बढ़ गया है या फिर बेसिक जो सब्सटेंस है वो बढ़ गया है। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जैसे हम लोग रेंसिडिटी और एसिडिटी के बारे में पढ़े हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन पढ़े हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच वैल्यू यदि फेवरेबल यदि चेंज करें तो हम लोग का स्टोरेज जो है वो चेंज हो सकता है, स्टोरेज में वो भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो अभी तक हम लोग ये समझे थे कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन की वजह से पीएच आया था, और वहाँ पे हम लोग जितना हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा वो उतना ही एसिडिक नेचर उसका कम होता चला जाएगा। तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो ऑब्वियसली यस, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो क्या होता है कि जब तुम देखोगे कि कुछ कुछ जो रोड के किनारे पेड़ लगे होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, चूना से पुताई किया जाता है। तो चूना क्या होता है, बेसिक होता है, तो ओवरऑल रोड के पास वाला एरिया जो है सॉइल वो एसिडिक नेचर का हो जाता है इंसेक्ट्स के कारण, या फिर तुम्हारा उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसके कारण से एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बेस का यूज़ करते हैं, तो बेस के वजह से उसको वहाँ का सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर जैसा पेड़ था फिर अगेन उस नॉर्मल कंडीशन में वो आने का कोशिश करता है। एनिमल्स में इंसेक्ट्स की बात करें तो चींटी क्या होता है, जैसे ही काटता है तो हमको जलन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ हमको क्या पता चलता है कि मेनली जो है वो उनके पास फॉर्मिक एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड ही वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में, तो क्या होता है उसी की वजह से जलन होता है। तो उससे उस जलन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सोप का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से हमको सिंपली क्या हो जाता है, वो जलन जो है कम हो जाएगा हमारा। हमारे बॉडी में पीएच जो है वर्क करता है फ्रॉम 6.5 टू 7.5 तक, जो ब्लड है हमारा वो एज अ बफर काम करता है, और वो क्या करता है पीएच को रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है। एसिडिन जो है मेनली सल्फर गैसेस और नाइट्रोजन गैसेस या फिर पॉल्यूशन के कारण सिंपली क्या होता है कि कुछ गैसेस जो है वो हमारे एसिड रेन वाटर में मिलकर हमारे बॉडी के पास तक पहुंचते हैं, तो उस तरह के रेन को हम लोग एसिड रेन का भी नाम देते हैं, जिसका पीएच वैल्यू यदि 5.6 से कम रहता है तो ओके। पीएच ऑफ सॉइल इज़ आल्सो कंसिडर्ड, हाँ किया जाता है। अभी जितने भी हमारे ऑलमोस्ट फर्टाइल लैंड्स पे यदि वर्क हो रहा है तो वहाँ हम बता सकते हैं कि वहाँ का पीएच वैल्यू चेक किया जाता है उस लैंड के सॉइल का, जिसके वजह से कितना अमाउंट ऑफ डीएपी डाला जाए, यूरिया डाला जाए या फिर पोटाश डाला जाए, तो उसके अनुसार न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। पीएच का पीएच जितना ही ज़्यादा नॉर्मल रहेगा किसी भी प्लांट्स के लिए, कुछ प्लांट्स के लिए तुम्हारा पीएच वैल्यू कम होना चाहिए, कुछ प्लांट्स के लिए पीएच वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, कुछ के लिए न्यूट्रल होना चाहिए, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं पीएच के मदद से हम लोग देखते हैं सॉइल का कंडीशन, कि सॉइल का कंडीशन क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का यूज़ होता है, जैसे अभी हम बता रहे थे अबाउट तुम्हारा स्टमक, स्टमक में हमारा क्या होता है वहाँ पे HCl गैस प्रेजेंट होता है, तो HCl यदि हम नहीं खाते हैं ज़्यादा देर तक तो क्या होता है पेट में जलन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ओवर ज़्यादा खा लेते हैं तो उस समय भी जलन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है ओवर सिक्रेशन ऑफ HCl हो जाता है, और वो क्या करता है सिंपली HCl हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए ही सिंपली वो मेनली क्या करता है इनर वॉल को कोरोड अप करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी की वजह से हमको जलन होता है, तो उसको हटाने के लिए हम या तो इनो का यूज़ करते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो एसिड को ईजिली क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है।
टूथ में भी होता है। टूथ हमारा क्या होता है, कैल्शियम इनामल से बना होता है। यदि उसमें चॉकलेट ज़्यादा खाएं तो मेनली क्या होगा, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, तुम्हारा एसिड्स के फॉर्म में अपना माल न्यूट्रिशन यदि छोड़ता है तो वो मेनली हमारे टीथ को क्या कर सकता है, ग्रोड अप कर सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिक टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ पीएच के यूज़ है एवरीडे लाइफ में। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इसको तो हम लोग डिस्कस किए, केमिकल वॉरफेयर में ये बीज जो है अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, विनेगर अलग यूज़ होता है, मिल्क का भी यूज़ होता है, बेकिंग सोडा एज एन एसिड, लेमन जूस हो गया। तो ये सारे कुछ यूजेस हैं हमारा पीएच का इन एवरीडे लाइफ। तो आई होप पीएच स्केल और यूजेस ऑफ पीएच स्केल इन आवर डे लाइफ क्लियर हुआ होगा। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।